भाई ये है चाहते। जी हाँ, एक्चुअली में यही तो चाहते हैं, बारिश के मौसम में पकौड़े, भुट्टे और चाय। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सीरियल की, जहाँ पर अरमान और रुद्र की चाहते जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। मतलब याद है बचपन में हम कैसे लड़ते थे, ये मेरा खिलौना है, नहीं मेरा खिलौना है। बस वही वाली फीलिंग आ रही होगी प्रीशा को, मतलब आती अगर वो बेहोश ना होती। रुद्र भी प्रीशा के पीछे लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरफ, और अरमान भी लड़ रहे हैं। फुल गड़बड़ है भाई, फुल गड़बड़ है। एक प्रीशा और उसके दावेदार दो दो, पहला रुद्र और दूसरा अरमान। रुद्र कह रहा है कि प्रीशा मेरी पत्नी है, तो वहीं अरमान का कहना है कि तू हट, प्रीशा मेरी पत्नी है। प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पूरा हक है इसको प्यार करने का, इससे मिलने का, इससे बातें करने का, मेरी पहली है। प्रीशा तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए एक साल से मैं प्रीशा की हेल्प कर रहा था तुमसे दूर रहने के लिए, इसीलिए सच नहीं बताया मैंने तुझे। झूठ बोल रहा है तू। अब भे इस तूतू मैमे में भला कोई तो समझाओ के आखिर यहाँ पर होगा क्या, इन दोनों की लड़ाई में हल क्या निकलेगा, प्रीशा किसके पास जाएगी। अब ये तो जब प्रीशा को होश आएगा ना, तब प्रीशा ही बता सकती है। दोनों ही कहाँ कामयाब हो रहे हैं, रुद्र भी प्रीशा के पीछे लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरफ, और अरमान भी लड़ रहा है, लेकिन दोनों को कुछ मिल नहीं रहा है। ना अरमान लेकर जा पा रहा है, ना रुद्र लेकर जा पा रहा है, बस प्रीशा बीच में फंसी हुई है। फिलहाल यहाँ पर रुद्र अरमान के साथ हाथापाई कर रहा है और पुलिस वालों से भी भिड़ गया, क्योंकि उसे तो पता है ना कि प्रीशा उसकी पत्नी है। अरमान ने उसे जबरन अपने पास रखा है। मेरी एक कॉन्स्पिरेसी है कि मैंने प्रीशा को पाने के लिए थोड़े से पेपर्स फोर्ज किए हैं, और रुद्र को ये दिखाने के लिए कि वो उसको डाइवोर्स दे चुका है, और गलतफहमी पैदा करने के लिए वही सारा ड्रामा हो रहा है। तो जो एक खींचातानी होती है मेरी बीवी वही एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर अरमान के घर वाले भी हैं, जिन्हें लगता है कि प्रीशा अरमान की ही पत्नी है। अब भाई अपने भाई को कोई बहन गलत कैसे समझ सकती है। मैं बहुत नफरत करती हूँ रुद्र से, क्योंकि मेरे दिमाग में यही इम्प्रेशन है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसने मेरी सिल का ध्यान रखा है। रुद्र इज़ द विलन, सो ऑब्वियसली आई हेट हिम। जब मैंने उसे देखा सामने सिल के साथ में, फिर सिल की ऐसी हालत हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। पुलिस स्टेशन में लंबी खींचातानी के बाद बेचारे रुद्र को डंडे भी पड़े, तो उधर बेहोश प्रीशा हंस भी पड़ी। अबे प्रीशा बेहोश है तो क्या हुआ, जो इधर गोलमाल चल रहा है वो सुन तो सकती है ना। तो यहाँ पर मामला अभी थोड़ा संगीन हो गया है, क्योंकि रुद्र को प्रीशा नहीं मिली, पुलिस वाले ने अरमान को सौंप दिया प्रीशा को। अब भाई अरमान ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रुद्र लौटेगा, पूरे सबूत के साथ लौटेगा। और हाँ, जब उसे पता चलेगा ना कि प्रीशा को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, उसके बाद देखना आपका क्या हश्र होता है जनाब। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।